हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रॉन्गर टुगेदर चैनल। सो बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि यार व्लॉग शुरू करना है, तो मैंने सोचा आज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट डे से। सो बेसिकली इसमें हम कवर करने वाले हैं मेरा ट्रिप, आज हम निकल रहे हैं। मैं और मेरा फ्रेंड वो जो हर्षता है वो अपने मायके गई हुई है, वो कोटा। तो इस व्लॉग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो मेरा ट्रिप होने वाला है, हम जाएंगे जयपुर, जयपुर से कुंभलगढ़, फिर वहाँ से उदयपुर, फिर वहाँ से कोटा। और इसका सेकेंड पार्ट बनाएगा हम कोटा से वापस दिल्ली का, जो कि हर्षता के साथ होगा। सो शुरू करते हैं इसे। तो बेसिकली आज मैं सुबह उठा हूँ, टाइम से उठ गया था, फिर उसके अपना वर्कआउट पूरा किया, फटाफट पैकिंग करनी है मुझे। तो अभी सारा घर थोड़ा फैला सा हुआ है, हर्षा होती है तो संभाल लेती है थोड़ा, तो अभी मुझे पैकिंग करनी है। देखिए मेरा सामान पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो अभी सब भी है, इस बैग में पैक करना है, सारी चीज़ें हैं, अपना प्रोटीन वगैरह कलेक्ट करना है वहाँ से। इसके बाद मैं निकलूँगा अपने मम्मी पापा के पास, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके देन आई विल गो टू फरीदाबाद। फरीदाबाद मुझे जाना है, दोस्त को पिक करना है, तो 5 बजे का टाइम रखा है, तो आई थिंक मुझे 2:30 या 3 बजे निकलना पड़ेगा रोहिणी से, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। सो चलो पैकिंग करते हैं जल्दी। फिर फाइनली अपनी पैकिंग डन, सब कुछ एक बैग में आ गया है, A to Z चीज़ें। और एक बैग और है छोटा बैग जिसमें मेडिसिन वगैरह रखी हैं, तो वो मैं गाड़ी में रखा आया हूँ। सो चलिए भैया, ये हो गया है अपना डन, लेट्स गो। बहुत अच्छी हवा चल रही है, अमेजिंग। अरे हाँ, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, आगे है वो, देखिए हमारी सोसाइटी में फ्लैग, इजंट इज अमेजिंग। सो गाइस, अब प्लान ये है कि पहले मैं हेयर कट कराने जाऊँगा, तो हर्षा ने बोला है कि हेयर कट के जरूर कराओ, तो हेयर कट कराऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा, उसके बाद फिर फरीदाबाद के लिए निकलेंगे। लेट हो रहे हैं तो फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। तो ये आ गया है अपना सामान। सो फाइनली ऑन द ड्राइविंग सीट। सो चल बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। थोड़ा सोसाइटी दिखा देते हैं। सो यहाँ से एग्जिट गेट है, ये भैया हम पहुँचने वाले हैं अपने दूसरे घर, सेक्टर 13 रोहिणी में। बहुत गर्मी है यार आज, और ट्रैफिक भी ठीक ठाक है काफ़ी, मैंने जर्नी तो इससे भी हैवी ट्रैफिक रहता है। और ये मेरे राइट साइड में आप देखेंगे ये जैपनीज पार्क जो है, यहाँ पे भाई होने वाला है कुछ कीर्तन वगैरह समथिंग, 3 दिन का है कुछ। कोई इंस्टाग्राम मॉडल भी आ रही है यहाँ पे, ये देखिए तैयारी चल रही है इधर, आप देख सकते हैं। ये आ गया है मम्मी पापा का घर, जहाँ मैं अभी रहता था, अभी कुछ महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ, इधर सामने, इधर सेक्टर 13 रोहिणी में समय विहार अपार्टमेंट। सो अभी आई थिंक आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। भाई ये हेयर कट किया अब जल्दी 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 में, जो हुआ मैंने करा लिया, तो निकलते हैं अब, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, सो अभी हम भाई गुड़गांव पहुँचे हैं। कल पहुँचना था वैसे तो हमको, शाम को कल निकलना था जयपुर के लिए, पर जैसे मैं इन भाई साहब के घर पहुँच रही, जो गाड़ी ड्राइव कर रही है, इन्हें 102 बुखार मिला, तो इस चक्कर में कल का हमें छोड़ना पड़ा प्रोग्राम। तो आज सुबह सुबह निकले हैं 5:15 बजे, तो पहले जयपुर जाएंगे, जयपुर से होते हुए फिर अपन कुंभलगढ़ निकलेंगे। तो अभी तक तो प्लान ये है, अभी जस्ट गुड़गांव में एंटर किए हैं, तो देखते हैं यार कैसा रहता है। होपफुली आज प्लान है कि कुंभलगढ़ के बाद भी अगर टाइम मिला तो आज उदयपुर स्टे करेंगे रात को, देखते हैं क्या रहता है। सो भाई हम गुड़गांव से निकल चुके हैं, अभी जयपुर यहाँ से अप्रोक्स 200 किलोमीटर दूर है, तो अभी तक तो भाई वेग चला रहा था गाड़ी, अभी दवाई लेके रेस्ट करेंगे, तो हम निकलते हैं यहाँ से। अप्रोक्स 3 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में, तो आज सुबह तो हम काफ़ी जल्दी निकले, तो टाइम से हमने 70 किलोमीटर कर लिया 1 घंटे के अंदर, क्योंकि रोड खाली था तो हाईवे था, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो ये भाई परेशान हो रहा है, कह रहा चला भाई चला। तो चलो निकलते हैं। ये यार जयपुर हाईवे पे हैं हम अभी, यहाँ ट्रैफिक अटका पड़ा है, तो अब लगा लो पिछले 1.5 घंटे पहली बार हम कहीं जाके रुके हैं, वरना कंटिन्यूस चले जा रहे थे। ये भाई हम रास्ते में रुके हैं एक होटल पे, राव करके कोई होटल है, ओल्ड राव, यहाँ पे थोड़ा खाना रुके हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ यहाँ से खा के फिर निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। ये भाई बहुत परेशान हो गए हैं, उनको सूप चाहिए था, सूप मिला नहीं,
अभी इनकी लड़ाई हुई है वेटर से, कितना बड़ा मेन्यू क्यों बनाते हो जब इसमें कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ दो तीन चीज़ें रखते हो, काफ़ी हताश है। अरे भैया क्या बताएं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बैंड बजी हुई है, हैवी ड्राइवर लोड ले रहे हैं, पैसा काम नहीं आ रहा, पैसा काम नहीं आ रहा इनका। क्या फायदा इतना पैसे कमाने का यार, हेलीकॉप्टर से आना था यार, ये गाड़ी से क्यों आ गया यार। नवाबी नहीं घट रही इनकी। ये देखो भाई ट्रैफिक देख लो, सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं भाई, 3 बार आधी, एक दो बार ये गाड़ी चला चुका, एक बार मैंने चलाई, फिर वापस ये चला रहे, क्योंकि ये चाहता है कि स्टीयरिंग इसके हाथ में रहना चाहिए लाइफ में, लड़की हो या ना हो ये स्टीयरिंग इनके हाथ में होना चाहिए। काफी प्यार करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। ये अरावली हिल्स के भाई पास पहुंच गए हम, ये देखो अब फाइनली जाके भाई ट्रैफिक हटा है तो सही चल रही है गाड़ी, तो होपफुली जल्दी पहुंच जाएंगे भाई। जयपुर पहुंचने वाले हैं, अब जयपुर में फिर से स्विच करेंगे, भाई रेस्ट करेगा थोड़ा, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। आज प्रोग्राम है कुंभलगढ़ निकलने का, तो शाम के आई थिंक 5:30 बता रहा है, अभी 10:30 हो रखे हैं, हम जयपुर पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ से तकरीबन 7 घंटे का रास्ता है कुंभलगढ़ के लिए। तो प्लान ये है कि कुंभलगढ़ फोर्ट देख के अगर आज पॉसिबल हो तो उदयपुर निकलेंगे, बाय चांस फोर्ट बंद हो गया तो भाई फिर आज कुंभलगढ़ रुकेंगे, सुबह फोर्ट घूमेंगे, फिर उदयपुर निकलेंगे। भाई मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ये देखो अच्छा मौसम हो रखा है भाई, मतलब ये बेस्ट टाइम है भाई, अगर राजस्थान आना है घूमने आप लोगों ने, दिस इज द बेस्ट टाइम। हल्की हल्की बारिश है, फिर भी बंद रहते हैं, मौसम ठंडा है, इतनी कोई गर्मी नहीं है, परफेक्ट वेदर है। बस जयपुर पहुंचने वाले हैं, आई थिंक 40 किलोमीटर करीब रह गए भाई, अभी अभी गाड़ी रुकवाई हमारी, डीएल नंबर देखते हैं, गाड़ी रोकनी है रोकनी है, इस उम्मीद में कि दो लड़के हैं शराब लेके जा रहे होंगे, माल ले रखा, बट हम शरीफ लोग क्या उम्मीद करें भाई, प्रोटीन निकला है पीछे, पैसा जरूर है हमारे पास पर गंदे काम नहीं करे, पैसा बहुत है बट ऐसे शौक नहीं रखे, प्रोटीन रखा है पीछे, टेस्ट कराया है, उन्हें लगा कि क्या पाउडर लेके जा रहा है, चॉकलेट चॉकलेट लगे तब छोड़े उन्होंने। जयपुर पहुंच गए हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं जयपुर में एक फेमस कॉफी शॉप है, आई थिंक जो जयपुर के हैं उन्हें पता होगा, NBC नथिंग बिफोर कॉफी, तो जयपुर में वहीं रुकेंगे अभी, फिर उसके बाद देखते हैं कुंभलगढ़ कितनी देर में निकलेंगे, थोड़ा लेट निकलेंगे या नहीं, बिकॉज आज तो मोस्ट प्रॉब्ली कुंभलगढ़ ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस अभी काफ़ी है, तो प्लान तो अभी तक यही है, बाकी देखते हैं यार कैसा रहता है। भाई हम निकल चुके हैं जयपुर से, अभी कुंभलगढ़ के रास्ते में है, नेशनल हाईवे 48 पे चल रहे हैं, भारद्वाज भाई थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे भाई के थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए थे, ORS पिलाया है अभी, माई काइंड ऑफ ड्रिंक हैविंग फन। वो देखो भाई अमेजिंग व्यू उधर, बहुत मस्त, ये सारी अरावली हिल्स हैं, ये कुंभलगढ़ के रास्ते में पड़ती है जब जयपुर से निकलते हैं, बहुत सही लग रही है यार। अभी स्टेशन पे रुके हैं यार थोड़ी देर, हवा वगैरह टेस्ट कराई है, भारद्वाज भाई चलाएंगे अब गाड़ी। रियल ड्राइवर हैवी लोडेड ड्राइवर। बारिश हो रही भाई बहुत तेज, अजमेर से जस्ट थोड़ा सा आगे निकले हम, भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज, हमारा हैवी ड्राइवर भी लोड ले गया। कुंभलगढ़ पहुंचने वाले हैं, ये भाई बीच में रास्ता इतना खराब था, गाड़ी की हालत देखो, बैंड बज गई है। ये विवेक थोड़ा बीमार हो गया, टेस्ट कराए हैं अभी, सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं। भाई फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है, अभी रात के 11:30 हो रखे हैं,
रात तो जो हुआ है वो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। विवेक की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा 103 डिग्री बुखार हो गया था। सो इसी किसी तरह पहले हम टेस्ट कराए, हमको लगा शायद टाइफाइड वगैरह हो गया, तो वो चेक कराया, डेंगू का चेक कराया, फिर कोविड का टेस्ट कराया, तो सारी रिपोर्ट ठीक आई है। तो वायरल हुआ था इसे, तो फिर दवाई वगैरह दिलाई, टेस्ट कराया फटाफट, 5 मिनट उसका रिजल्ट निकलवाया फिर वहीं पे, तो ये सारी चीज़ें फटाफट करवानी पड़ी। तो फाइनली अभी फिर रेस्ट कर रहा है, वो दवाई दी है डोलो, और बाकी एक उसे पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगवाया था। सो आज का दिन बहुत टायरिंग था, मॉर्निंग से लेकर अभी तक हम 700 किलोमीटर चले हैं नॉन स्टॉप, बीच में एक हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था, वरना अदरवाइज कंटिन्यूस चले 700 किलोमीटर्स के लिए। तो भाई बहुत बुरी हालत है। अभी हम रुके हैं उदयपुर से 40 किलोमीटर पहले, एक प्लेस है, कौन सा प्लेस है भैया, की नाथ द्वार करके प्लेस है जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ रुके हैं। फिर कल सुबह यहाँ मंदिर विजिट करेंगे, फिर निकलेंगे उदयपुर। तो टिल देन भाई आज तो चल रूम दिखा देता हूँ, ये बैठा विवेक भाई, तो ये रूम है। तो बस भाई ठीक है, चलो टेक केयर, कल मिलते हैं जब उदयपुर निकलेंगे। सो हो गए, क्या चीज, हाँ रख ले, बैग में रख ले तो फिर। निकल रहे हैं बस, यहाँ हमने स्टे किया था। ऑल सेट भाई निकलने के लिए, अच्छा स्टे था, मतलब प्लेस रिकमेंड करूँगा। ये भारद्वाज भाई अपना सेकंड इंजेक्शन लेते हुए भाई इंजेक्शन लग गया भाई, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अभी कफ सिरप ले रहा है, इसके बाद निकलते हैं आगे। विवेक भाई बेल्ट ले रहे हैं, इनकी पैंट ढीली हो गई है बेल्ट लेने आए हैं ये भाई। आ गए हम राजासमंद लेक, ये देखो लेक भाई, ये भाई पहुंच गए हम लेक पे। तो अब भाई जैकेट वैकेट पहनेंगे, निकलेंगे थोड़ा, एक इसका पूरा राउंड लगता है, 3 किलोमीटर के करीब का है ये पेरिफेरल, इसमें जाएंगे अपन। बोटिंग हो गई है भाई ख़त्म, अब निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे नाथ मंदिर। गाड़ी चल रही है भाई न्यूट्रल पे, हमारे भारद्वाज भाई साहब पैसे बचाने में बहुत तेज है, बहुत तेज, तो उन्होंने बताया पैसे ऐसे बचाओ ढलान पे न्यूट्रल पे डाल दो, गाड़ी की एवरेज भी बढ़ती है और इंजन भी। ये भाई श्रीनाथ मंदिर आए हैं, बहुत भीड़ भाई, बहुत भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा। ये हमारे भाई ने हम निकल गए हैं अब श्रीनाथ मंदिर से, मंदिर तो खैर बंद हो गया था पर बाहर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़, बड़ी मुश्किलों से गाड़ी निकली है। अब भाई कहाँ जा रहे हैं, उदयपुर, उदयपुर निकल रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ लंच वंच करके, फिर इसकी एंटीबायोटिक बची है एक वो खाएगा, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। भाई तो अभी जस्ट यार हम पहुंचे हैं उदयपुर में, होटल चेक इन किया गोल्डन ट्रिप में। सो जस्ट ये हमारा रूम है, तो रूम तो ठीक है, अच्छा है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके यार फिर निकलेंगे, दो तीन चीज़ें हमें पता चली हैं जो घूमने लायक हैं, एक लेक है, एक सिटी पैलेस है उदयपुर में, तो वहाँ जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकल रहे हैं बस भाई, अब निकल रहे हैं। दो तीन चीज़ें बताई हैं इन्होंने, दूध तलाई, पिचोला लेक, पैलेस तो शायद बंद हो जाएगा अभी, तो कल देखेंगे। तो अभी निकल रहे हैं,
निकलते हैं चलो। देखो रैली चल रही है अपने इधर, ये भाई उदयपुर में घूम रहे हैं अभी, तो जा रहे हैं निकल रहे हैं। ट्रैफिक है एक साइड क्योंकि आगे वो चल रही है। चलो करते हैं लेक पिचोला, अभी यहाँ से 500 मीटर दूर है तो चल रहे हैं। गाड़ी पीछे पार्क कर दी है। ये भाई लेक है दूध तलाई लेक। अब क्या देखूँ आप ही बता दो भाई, इसमें इतनी सारी लेक तो ऐसी होती है, पता नहीं कहाँ किसने कहाँ भेज दिया हमें। देख मेरे ख्याल से ना उधर चलते हैं एक बार, श्री वंशावन करणी माता मंदिर। चलो भाई मंदिर, भाई जब से चढ़े ही जा रहे हैं हमारे भाई साहब को थोड़ा रेस्ट करना है। वैसे मैं ठीक हूँ, वैसे ही ठीक है पर विकास थोड़ी सांस फूल ऐसा निकाला है भारद्वाज ने सांपों के बीच से क्या कह रहा है, यही ट्रैकिंग करूंगा ये भाई पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। सिटी पहले सारा पिचोला लेक, ये भाई पूरा उदयपुर है पीछे, मेन मेन चीजें वो सिटी पहले से अपना। विवेक भाग लिया है नीचे, देखो जबरदस्त। ऐ दानी चल दानी प्यार सोहनी, ऐ दानी चल दानी प्यार। अब इंग्लिश में तेरी कंपार्टमेंट आई थी चलो भाई यहाँ से अब नीचे निकलना है। चलो भाई चलो, ऐसे करते ना अभी लोग आजो आजो आजो। ये खा भाई, अब हम जा रहे हैं एक और लेक पे, नाम है फतेह फतेह लेक। यार वो अच्छा तो लग रहा है वो वाला बीच में सेंटर में जो है। अंधेरा होने को है भाई और चेहरा गोरा होता जा रहा है, क्या राज है इसका इसी बीच आपको बता दे कि मेरे एक फ्रेंड है नमन सिक्का, वो जस्ट अभी परसों ही उनका ऑपरेशन हुआ, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो आजकल अंधे बने हुए हैं। तो कृपया जाके उन्हें इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर मैसेज है वो लिखना है, अंधे अब समझ गए आगे ठीक है भाई। यहाँ हो गई है बारिश और इसी बीच एक इंजेक्शन और लगवा दिया भारद्वाज के, ये देखो फुल एनर्जी मोड बाहुबली बन गया है। एक्वेरियम आए हैं अभी तो बहुत सुना है इसके बारे में, लेट्स सी कैसा रहता है। ये भाई यहाँ पे वीआर का एक्सपीरियंस, वो वर्चुअल रियलिटी, आप पे शार्क, आप कैसे लगे थे शार्क अटैक कर रहे हैं भाई, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस वीआर का, तो भाई एक बार करना ही चाहिए, इट्स टोटली वर्थ इट, डैम गुड यार डैम गुड। तेरे को कैसा लगा अभी, एक अच्छा था ना भाई, जो स्टार्टिंग में हमने देखा नहीं था वही चीज़ हो रही है। बहुत भीड़ है भाई, होटल पहुंच गए हैं भाइयों जस्ट अभी अभी, फटाफट फ्रेश होके यार थोड़ा डिनर करने जाएंगे, 10:30 बजे तक टाइम है, अभी 9:30 हुए ना, 9:30 हुए, बस डिनर करने निकलेंगे अब फटाफट, बहुत थकावट हो गई है आज तो। अपने कितने 10,000 स्टेप्स हो गए हैं और 7.5 किलोमीटर वॉक किया हमने सही है यार, अब चलते हैं फटाफट डिनर करके आते हैं। अभी जस्ट डिनर करके आए रूम पे, बहुत टायरिंग डे था यार आज का, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी। ये भानु का कॉल, हमारे एक फ्रेंड है जो हमें मतलब जिसको आना था इस ट्रिप पे, बट कोई झूठा बहाना मतलब बहाना भी नहीं, पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया उसने, ठीक है पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद गायब हो गया, फिर कह रहा कि ऐसे बीमारी है जो बता नहीं सकता पता नहीं, तो क्या करें फिर अब। चलो जो भी है कोई नहीं, अगले ट्रिप पे देखते हैं भानु को, ठीक है अभी भी चल ही रहा है। चल भाई तो फिर आज के लिए कॉल ऑफ करता हूँ, थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ भानु से। भानु को हम कॉलेज, हमारे कॉलेज का ही है, उसको हम भानु का भोला भी कहते थे, तो बाकी तो चलो ठीक है। चलो यार सोते हैं,
टेकिंग ऑफ. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग गाइस. अभी जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं. अभी उदयपुर में ही हैं तो अभी बस निकलेंगे हम सिटी पैलेस के लिए. मॉर्निंग 9:30 हो गए हैं ना, 9:45 9:10 के करीब हो गया, 9:45. तो बस सिटी पैलेस के लिए निकलेंगे. वहाँ पे अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे का बता रहे हैं, मतलब वो आपको टाइम लग जाएगा अंदर. और उसके बाद फिर वहीं से निकलेंगे कोटा. तो यार चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी निकलते हैं. भारद्वाज थोड़ा लेट उठाया आज, इस चक्कर में सारा हो रहा है. पता नहीं क्या करता रहता है, बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम हर जगह बहुत टाइम लगाता है. चलो ठीक है, चलते हैं अब. ये भाई अभी सिटी पैलेस आए हैं. भाई हमने अभी एक गाइड कर लिया है थोड़ा बताने के लिए. बता रहे हैं कि 22 राजाओं ने मिलके इस प्लेस को बनाया. यहाँ भाई ये बता रहे हैं प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग हुई थी, सलमान खान और सोनम कपूर. चित्तौड़गढ़ पहुंच गए भाई, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हमें निकले हुए. चित्तौड़गढ़ लेफ्ट में पूरा चित्तौड़गढ़, कोटा रह गया यहाँ से 170 किलोमीटर. भाई 30 किलोमीटर रह गया है कोटा, थोड़ा पहुंचने वाले हैं हम. 1,006 किलोमीटर नहीं, 1,066, 1,066 किलोमीटर, 1,066 इन 2.5 डेज. वेदर देखो यार, फ्रॉम उदयपुर टू कोटा बहुत आए. ये भाई कोटा पहुंच गए हैं. ये अपना 7 वंडर्स. ये हम कोटा पहुंच गए हैं. हर्षो से हाय. ये वेव ने थोड़े थक गए हैं. हर्षता उधर है. बुआ सा को बुलाओ, बुआ सा को बुलाओ जल्दी. हर्षता को बुलाओ. अरे ऐसे नहीं कर सकते.